हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप नए नए कंप्यूटर पर वर्क करना स्टार्ट किए हो या आपको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बता दूं कि मैं तीन चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। कि जैसे कि कंप्यूटर में कॉपी, पेस्ट एंड कट, इन तीनों का यूज़ क्या है, कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है, सारा कुछ एकदम बारीकी से बताने वाला हूँ। तो खास करके ये बता दूँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपको जानना जरूरी है, यानी नया नया कंप्यूटर आप चला रहे हो तो ये चीज़ आपको सीखना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉपी पेस्ट एंड कट का जो मैं यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरह समझ सको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो बना के डालें अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देख सकते हैं यहाँ पर माउस का मेरा यहाँ पर तीर दिख रहा है, तो इसको हमें सीधा, आप देख सकते हैं माउस का हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना राइट क्लिक। अगर आपके पास माउस है तो उसमें तीन ऑप्शन मिलते होंगे, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक एंड सेंटर में। तो आपको यहाँ पर अपना माउस का राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कौन सा ऑप्शन बताया था, कॉपी पेस्ट एंड कट, ये सब कुछ नहीं दिख रहा। पेस्ट यहाँ पर दिख रहा है लेकिन इस पर आप क्लिक करेंगे पेस्ट काम नहीं करेगा। लेकिन ये सब का जो यूज़ है एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम अपने माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद कोई भी फोल्डर में चले जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद में हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर डाउनलोड कोई सॉफ्टवेयर है, तो अब इस सॉफ्टवेयर को मुझे यहाँ से कहीं और लेके जाना है, यानी कॉपी करना है या कट। दो तरीक़े से हम ले जा सकते हैं, कॉपी या कट करके। तो कॉपी का क्या मतलब होता है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपना माउस को ले गया और ले जाने के बाद में मैं अपना राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कट कॉपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कट कॉपी का हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने इसे कॉपी पर क्लिक कर लिया, तो ये हमारे इस फोल्डर में, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये इस फोल्डर में भी रहेगा और मैं इसे जहाँ ले जाके पेस्ट करूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक नया फोल्डर यहाँ पर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, ए बी सी डी कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आके उसमें इसे पेस्ट करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए पेस्ट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ से कॉपी मैंने यहाँ से किया था, इस चीज़ को कॉपी किया था, देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ लास्ट में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर में मैंने जो बना के अभी डाला वो सेम चीज़ यहाँ आ गया। यानी हमने क्या किया, कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसके बाद, यहाँ पर कॉपी तो यहाँ पर हो चुका है फोल्डर में, अब यहाँ पर फोल्डर में कॉपी और पेस्ट भी करके बता दिया, तो अब हमें करना क्या है, इसे अब डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, इसे डिलीट कर दिया, अब यहाँ से बैक चलता है। अब तो हमारा कॉपी किया था जो मैंने यहाँ से सॉफ्टवेयर दोनों फोल्डर में रह गया था, यहाँ भी रह गया था यहाँ भी रह गया था, लेकिन अभी मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो इसमें से अब मैं इसको हम यहाँ से फिर से एक बार ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे माउस की मदद से और कट पर क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने इस फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर वो हमारा एप्लीकेशन नहीं रहा, जो न्यू फोल्डर आया उसमें हमारा ये आ चुका है। यानी कट का मतलब है कि आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को, फोटो वीडियो या आपका कोई भी वर्ड में आपने कुछ यूज़ किया है, यानी आपने कहीं से कॉपी करके कहीं पेस्ट किया, तो वो दोनों का कॉपी का मतलब कार्बन कॉपी हो जाता है। और कट का मतलब होता है कि आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, यानी जहाँ से उठाया वहाँ से दूसरी जगह चला गया और जहाँ पहले था वहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये होता है कट का मतलब, कॉपी एंड कट। तो मैंने कॉपी करके बताया और कट करके बताया आपको, तो कट का मतलब यहाँ पर आ चुका। देखिए फिर से मैं क्लिक करता हूँ इसको इस तरह से माउस से और यहाँ से कट करूँगा। अब ये न्यू फोल्डर से हमारा कट होके यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट मतलब, यानी पेस्ट का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पेस्ट का यही यूज़ होता है। तो देख सकते हैं न्यू फोल्डर में हमारा नहीं रह गया। अगर यही हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसे देख सकते हैं यहाँ से कॉपी करेंगे,
तो ये दोनों फोल्डर में रह जाए जिसमें कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ आके इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, ये हमारे न्यू फोल्डर में भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो ये होता है कॉपी का मतलब, यानी कार्बन का काम करता है कॉपी। अब कट क्या होता है कि उसको फाइनली आपको हमेशा के लिए हटा देता है। तो फिलहाल ये हमें गलत क्लिक हो गया इस पर, कोई बात नहीं, यहाँ से हम बैक चलते हैं अब और यहाँ से इसे कट करके निकलते हैं, ठीक है, और इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने फोल्डर पे बता दिया। अब जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा, जैसे मान लीजिए फ़ोटो वीडियो है कहीं पर मैंने रख लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे डाउनलोड्स में यहाँ पर कोई गाना है, मैं इस गाने को यहाँ से क्या करूँगा, कट करूँगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा ये, और जहाँ ले जाकर मैं रखूँगा वहीं पर ये सेव होगा। यहाँ पर मैं आके इस तरह से इसे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है यहाँ पर, और डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट वाला गाना चला गया। यानी इस तरह से हम कट का यूज़ कर लेते हैं, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से कुछ भी अपना चेंजेस करना, जैसे कॉपी पेस्ट करना हो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से सेलेक्ट करके अपना माउस का राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर कट कॉपी, कट करेंगे तो ये पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए कट करते हैं, पूरा गायब हो गया यहाँ से। अब इसको हम जहाँ ले जाकर छोड़ देंगे, यानी इस माउस को जहाँ ले जाकर छोड़ देंगे वहीं पर ही हमारा ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर में, और यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दूँगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। तो ये होता हमारा कट का ऑप्शन का यूज़। अब इस फिर से इसे हम कट करेंगे और जहाँ पर हमारा था वहाँ ले जाकर माउस और यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ फिर से हमारा वही चीज़ आ चुका है। तो ये होता है हमारा कट का यूज़। अब यहाँ पर हम आपको कॉपी का यूज़ बता रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने विंडोज़ ये लिख के रखा, इसको हम यहाँ से माउस सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो कॉपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। देन हम माउस को कहीं भी ले जाते हैं, जैसे किसी फोल्डर में भी ले जाएंगे तो वहाँ जाकर पोस्ट हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट को अभी हमने कॉपी किया तो डॉक्यूमेंट में ही पेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ से कॉपी किया था, अब यहाँ पेस्ट पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यही चीज़ है यहाँ पर आ गया, यानी कार्बन कॉपी यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। कट मैंने जो किया था यानी एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा जहाँ हम पेस्ट कर देंगे उसे, तो यहाँ पर कट भी आपने जान लिया और कट एंड कॉपी भी जान लिया आपने, और साथ ही साथ आपको पेस्ट भी करना मैंने बता दिया। तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए मैंने इसी को यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से कट करूँगा, कट करके डायरेक्ट मुझे किसी फोल्डर में रखना होगा, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे, जैसे मेरा ड्राइव है और यहाँ पर हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं, यानी एक जगह से उठाकर मैं दूसरी जगह ला लिया। अब देख सकते हैं यहाँ से हमारा गायब हो चुका है और मैंने जहाँ पेस्ट किया ये हमारा वहाँ पर सेट हो गया। अब यही अगर मैं यहाँ से उठा के इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये आ चुका है फिर से, लेकिन आप देख सकते हैं ये चीज़ दोनों जगह पर रहेगा, यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। कॉपी का मतलब है कार्बन कॉपी बनाना, कट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और यहाँ पर पेस्ट का तो आप समझ गए हैं मतलब कि किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ करने के लिए पेस्ट का यूज़ होता है। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट एंड कट का हम यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही बारीकी से और डिटेल्स में सारे चीज़ बताता हूँ और आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके आधार पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।